पिछले वीडियो पार्ट वन में हमने बात की थी कि हमने कम समय में जब प्रेपरेशन करनी है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा। वो स्टेप था कि कैसे हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सारा सिलेबस रीड करके, ये सभी के लिए जरूरी है याद रखना, मैंने बात की थी कि सारे स्टेप्स सभी के लिए जरूरी नहीं है लेकिन कुछ स्टेप्स सभी के लिए जरूरी होता है। तो वो स्टेप्स थे, फर्स्ट का कि सभी ने वो सिलेबस रीड करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से कैसे निकालने हैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, और वो निकालने के बाद आपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल, जो एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल, मोटिवेशन लेवल के अनुसार आपकी सीक्वेंस क्या होगी, प्रोसीड कैसे करना है, ये पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि अब फोकस किस पर करना है, तो वो सिलेक्शन हो गई है, टॉपिक हो गया, तो वो टॉपिक का करना क्या है, तो उसका स्पष्ट आंसर ये है कि आपने कंसेप्चुअल लर्निंग पर जोर देना है। कंसेप्ट्स जो हैं वो पिलर हैं हर किसी भी सब्जेक्ट का, और कोई भी एग्जाम देना है आपने जो एमसीक्यू से है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप से है, तो कंसेप्ट्स आपके हर हालत में मैक्सिमम इन डेप्थ क्लियर होने चाहिए। अगर आप बाकी चीजें किसी टॉपिक की नहीं कर पाते, मैं ये बता रहा हूं कि फर्स्ट फेज में हर पार्टिसिपेंट के लिए, कैंडिडेट के लिए ये जरूरी है कि वो कंसेप्ट्स जरूर कर ले। तो कंसेप्ट्स ये है कि कंसेप्ट्स होते क्या हैं। कंसेप्ट्स आपका कोई भी वर्ड जो आपके सिलेबस में लिखा है वो कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स के हो तो हम ये एग्जांपल लेते हैं, डिमांड क्या है, कंसेप्ट है, सप्लाई क्या है, कंसेप्ट है। अच्छा, साइकोलॉजी में रेडीनेस क्या है, लर्निंग क्या है, एक्सरसाइज क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लेयर क्या है, रीइंफोर्समेंट क्या है, ठीक, ये सारे कंसेप्ट्स हैं। तो कंसेप्ट कैसे, क्या कंसेप्ट का लर्न करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि मैं कंसेप्ट बेटर लर्न कर रहा हूं, तो आपने उनके फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं, फीचर निकाल लेने हैं हर कंसेप्ट के। आप अगर डेफिनेशन की डेफिनेशन आप करो तो डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी कंसेप्ट की, वर्ड की, टर्म के सारे फीचर को ऐसे एनलिस्ट करना कि उसका रिलेटेड या सिमिलर कंसेप्ट्स से डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो आप सारे फीचर जो हैं, ये वाला कौन सा ले, ये सारे फीचर जो हैं वो एनलिस्ट करने हैं। दूसरा, राइट एग्जाम्पल एक जरूर लिखनी है जब आप कंसेप्ट कर रहे हो, क्योंकि जब आपने वहां पर नया क्वेश्चन, नया प्रॉब्लम आपको वो दे दी है, तो आपने एग्जाम्पल को सामने रख के एप्लीकेशन आपकी बहुत इजी हो जाती है, ठीक। तो राइट एग्जाम्पल, ये बात जरूर याद रखनी है। अच्छा, तो कंसेप्ट याद कर लिए, तो प्रिंसिपल मैंने बार बार क्यों कहा, लॉज क्यों कहा, रूल्स क्यों कहा, ये तीनों वर्ड है, इनमें डिफरेंस भी है, यहां नहीं करूंगा। एक कंसेप्ट है और दूसरा कंसेप्ट है या तीसरा कंसेप्ट है, इन दोनों में, फॉर एग्जाम्पल डिमांड एंड सप्लाई में जो रेगुलर रिलेशनशिप है उसको हम कह देते हैं प्रिंसिपल, ठीक। और ऐसे आप ये देख लीजिए, आपने ये मान लीजिए लर्निंग है, तो यहां आ गया रेडीनेस, रेडीनेस और लर्निंग का रेगुलर रिलेशनशिप है। दूसरा, एक्सरसाइज और लर्निंग का रेगुलर रिलेशनशिप है। अच्छा, जो आपका है इफेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट वैसे उसे बोलते हैं, प्लेयर आप ले लीजिए, प्लेयर जिस एक्टिविटी में प्लेयर मिलता है और उसका लर्निंग के साथ सीधा संबंध है, रीइंफोर्समेंट जिसका कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव, प्लेयर शाबाश मिलती है जब काम करके कोई मजा मिलता है, रीइंफोर्समेंट। ये अब ये क्या हो गया, ये सारे कंसेप्ट नंबर वन, कंसेप्ट नंबर टू, कंसेप्ट नंबर थ्री, कंसेप्ट नंबर फोर, और एक कंसेप्ट का दूसरे के साथ रिलेशन, ओके, तो ये रिलेशन कर लिए, इट मींस आपने कंसेप्ट भी कर लिए, रिलेशन भी कर लिए, जो प्रिंसिपल हो गए, और इनका सबका क्लब ये हो के क्या बन गया, थ्योरी। थ्योरी क्या है, थ्योरी कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल के कॉम्बिनेशन है जो किसी एक खास टर्म को, कंस्ट्रक्ट को एक्सप्लेन करती है, थ्योरी का मतलब,
ये टीचिंग भी साथ में हो गई। अब ये देखिए, अब क्या होगा, ये मैंने ये बनाया, ये कहीं लिखा नहीं है, मेरे ब्रेन ने अभी बनाया ये। मैं आपको आगे चल के इसी की फिर एग्जांपल देता हूं कि इसका क्या फायदा है। जब आप खुद डायग्राम, ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन या मैप मेकिंग या माइंड मैप, कंसेप्ट मैप, कितने नाम है वो टेक्निकल यहां टीच नहीं करूंगा, तो ये बनाते हो तो आगे जाके बताऊंगा कि इनको यूज आपने करना है। अच्छा, वहां क्या आएगा, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स किस रूप में आएंगी, ये बदल लें थोड़ा सा कलर, एमसीक्यू के रूप में। एमसीक्यू के रूप में अच्छा हो भी सकता है कि न्यू सिचुएशन आ गई है, न्यू एमसीक्यू आ गया है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, उसके फीचर क्लियर है, एग्जांपल क्लियर है, तो देन यू आर इजीली, यू कैन इजीली अप्लाई दीज कंसेप्ट्स, नंबर वन प्रिंसिपल्स और थ्योरीज टू दैट न्यू प्रॉब्लम फॉर ए करेक्ट सोल्यूशन। ठीक, तो दैट इज वाई मिनिमम आप कंसेप्चुअल लर्निंग कंप्लीट करके जाइए। वो क्या है कि आपने सारे सिलेबस का, ये फर्स्ट इनिशियल आगे बताया हुआ है मैंने, ये देखिए कि जो मिनिमम है, आगे चल के यहां है, यहां है, जो न्यू और कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक हैं आपके, थीम है, आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उनका मिनिमम ये करना ही करना है। दूसरा, हमने इंटरेक्शन की बात कल की थी कि जो इम्पॉर्टेंट भी हैं, डिफिकल्ट भी हैं और पीछे पूछे भी जाते रहे हैं, उसका मतलब हो गया इम्पॉर्टेंट जो पीछे पिछले क्वेश्चन में नेट के में बार बार आए हुए हैं, और डिफिकल्ट आपके लिए न्यू है, जहाँ कॉम्प्लेक्स है या डिफिकल्ट है, उन पर मैक्सिमम फोकस आपने करना ही करना है, तो वो ही आपको आगे ले जा सकते हैं। दूसरा करना है कंसेप्चुअल लर्निंग में, कंसेप्चुअल डिफरेंस करने हैं। डिफरेंस एक मेथड है, मेथड ऑफ कंपैरिजन। ओके, हम टीचिंग लर्निंग में प्रोसेस में टीच करते हैं, इवन वेदांता में, उपनिषदा में इस मेथड का जिक्र है। जब आप डिफरेंस करते हो तो उसका फायदा क्या है कि तीन गुना आपकी नॉलेज बढ़ रही है, तीन गुना। ठीक, तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए आपके पास टी टेस्ट है, आप स्टैटिस्टिकल, मैं इसलिए एग्जांपल ली है कि ये सभी के लिए डिफिकल्ट पार्ट नॉर्मली होता है, जिनकी बैकग्राउंड मैथ से, स्टैट से नहीं होती। ठीक, तो टी टेस्ट है, अनोवा है। अब अनोवा भी कितनी तरह का है, वन वे अनोवा है, टू वे अनोवा है, थ्री वे अनोवा है। सिंपल, यहाँ आपने टी लिख लिया, यहाँ अनोवा लिख लिया। ये किस लिए है भाई, ये मीन डिफरेंस के लिए यहाँ लिख लिया आपने के, ब्लू कर लेते हैं, मीन डिफरेंस के लिए है। मीन डिफरेंस दूसरा डिफरेंस के लिए है, डिफरेंस एक एक शब्द का, ये रिलेशनशिप के वेरिएबल के लिए नहीं है, ये डिफरेंस के लिए है। अगर कोई आपको सिचुएशन नहीं डाल देता है कि ये दो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस आपने जेंडर से कंपेयर करनी है, मतलब मेल जेंडर क्या है, दो लेवल हो गए, जेंडर एक वेरिएबल है, उसके लेवल क्या है, मेल और फीमेल, अच्छा तीन लेवल भी हो सकते हैं। आपने लिख लिया कि जेंडर के, ये मान लीजिए ये है मेल, ओके, ये है फीमेल। ठीक है, आपने 50 जने जे लिए, 50 जे लिए, और इनकर क्या किया कि आपने इमोशनल क्वोशेंट का टेस्ट लगाया, आपके स्कोर आ गए, स्कोर के आके इनका मीन स्कोर आ गया। ठीक है, मीन स्कोर इनका भी आ गया, फॉर एग्जांपल इनका मीन स्कोर 40 आया, इनका 45 आया। अच्छा, क्या ये डिफरेंट रियल डिफरेंस रियल है या ड्यू टू एरर है, ये क्वेश्चन है। एक ग्रुप, दो ग्रुप, अगर दो ग्रुप है ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे लर्न आप इजीली कर सकते हो। इनमें आप डिफरेंस देखना चाहते हो, स्कोर आपके पास है, तो कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। ठीक, तो यहां अगर दो ग्रुप है, डिफरेंस देखना चाहते हो ईक्यू में और जेंडर के बेस पर, तो यहां पर टी टेस्ट अप्लाई होगा। अच्छा, एग्जाम्पल आपके सामने आ गई, एग्जाम्पल भी साथ में लिख ली है आपने, कलर बदल ले कोई, हाँ, तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी आपको क्लियर होना चाहिए कि यार, हाँ, यहाँ जो है इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल क्वोशेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका प्रभाव देखना है, जिसको क्लासिफाई किया है, जेंडर है। ठीक,
अगर उन्होंने देखिए कितने क्लेवर से, अगर पेपर सेटर हो, आज तक किसी ने डाला ही नहीं है, जेंडर के जितने भी क्वेश्चन डाले हैं मेल फीमेल ही समझा जाता है, लेकिन अब आपको पता है कि थर्ड जेंडर भी है। यहाँ पर थर्ड जेंडर को डिफरेंट कलर से बना लेते हैं यहाँ, ठीक है, थर्ड जेंडर भी है। वैसे जेंडर कनाडा में लिस्ट जो है 31 जेंडर है, सेक्स दो होते हैं मेल और फीमेल, लेकिन जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, कल्चरल कंस्ट्रक्ट, ये हम डेवलप करते हैं, ये लर्निंग का पार्ट है। जेंडर और सेक्स में डिफरेंस है, ये यहां नहीं करवाऊंगा। अब अगर ग्रुप तीन हो गए, यहां दो थे, टी टेस्ट लगा, एक दो तीन, अब तीन है तो क्या अप्लाई होगा डिफरेंस देखने के लिए, ठीक है, इनका मीन स्कोर आ गया, इनके स्कोर लिए, इनका मीन स्कोर आ गया और इनका भी मीन स्कोर आ गया। फॉर एग्जाम्पल इनका आ गया 42, ठीक। अब तीन मीन स्कोर है, इनमें आपने डिफरेंस देखना है तो वन वे अनोवा लगेगा। ये आपने इतना सा बनाकर लर्न भी कर लिया और एक आपका वो जो कंसेप्ट मैप भी बन गया। तो ये डिफरेंशियल अप्रोच आप अप्लाई कीजिए, जो रिलेटेड टर्म्स है, कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, जिनमें सिमिलैरिटी ज्यादा है, जहां आपको कंफ्यूज जो ज्यादा करती हैं, उनको ऐसे जरूर कीजिए। अब मैंने क्या किया, यहां पर कई साइकोलॉजी की स्ट्रेटजीज अप्लाई हुई हैं, वापस चलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है कि माइक्रो नोट्स बनाइए। एक बड़े वाले नोट्स है फुल बटा फुल, एक छोटे नोट्स है, एक बहुत ज्यादा छोटे नोट्स होते हैं, उन नोट्स को बनाने के लिए मैं क्या एडिशनल इसमें बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं है, मैं साइकोलॉजी में जो अप्लाई होता है उसको ही बता रहा हूं। डिफरेंट नोटबुक्स शेप्स कलर एंड साइज, ऐसा क्यों मैंने लिखा है, ये देखिए कि जब आप फॉर एग्जाम्पल आपका सब्जेक्ट नंबर वन है, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, ये सब्जेक्ट टू, ओके, ये रहा सब्जेक्ट थ्री, ठीक। अब इसकी नोटबुक जो है वो मान लीजिए आपने ठीक है ये लगाई है, जहां उसके लिए पेन भी रेड ही रख लिया है, इसके लिए दूसरे सब्जेक्ट के लिए अगर आप नहीं अप्लाई करते, अपने बच्चों को तो अप्लाई करवा सकते हो। साइकोलॉजी का ये क्या है कि हमारा जो विजुअल मेमोरी है, इसका ब्लैक से हो गया तीसरे का, ठीक है, अब बनाने की जरूरत नहीं है, सॉरी। अब तीन सब्जेक्ट हैं या तीन यूनिट है, चार यूनिट है, आपने डिफरेंट तरह की, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है एक नोटबुक, मैंने एक सब्जेक्ट के लिए ऐसी लगा ली, जिन बाहर से नहीं देखना, अंदर से देखना है, इसका जो ये लाइन डिफरेंट है या कलर डिफरेंट है। दूसरा मैंने लूज, मेरे पास पेपर है ये वाले ऐसे, ठीक है, तीसरा कॉपी है, इनके ब्लॉक हैं, चौथी हो सकती है उनका रेड कलर की पेज, उसके रेड कलर के हों या ब्लू कलर के हों, किसी और कलर के हों, क्या होता है ये, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमारे हम जब ये जान लीजिए ये आपका माइंड है, ठीक, ये माइंड है और ये आपके माइंड ने खुद, यहाँ पर ये हाथ है, ये आपका जो नोट्स हैं आपने बनाए हैं अपने हाथ से। तो क्या हुआ कि जब ये बना रहे हो तो साथ में ये स्टोर हो रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जब ये सब्जेक्ट कर रहे हो तो ये रेड कलर डिफरेंटली आपके माइंड में स्टोर हो रहा है, जब ये बदल जाता है ब्लू होता है तो वो डिफरेंटली, जब आपने यही स्टोर्ड चीज को दोबारा रिकॉल करना है तो रिकॉल करने में ये कलर आपका डिफरेंस ऑफ साइज और शेप जो नोटबुक की है वो हेल्प करता है, वो कंफ्यूजन नहीं करता, कलर के साथ आप जुड़ जाते हो, ठीक। तो ऐसे डिफरेंट अगर आप कलर शेप जो बात की थी हमने, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको स्टोर करने और उनको रिकॉल करने में वेरी इजी,
वेरी इजी हो जाता है। विजुअल मेमोरी ये होती है, तो इसका फायदा आप उठा सकते हो। नोट्स विद डिफरेंट कलर पेन आप डिफरेंट यूज कर सकते हो, राइट ओनली डिफरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट नंबर एक, जब अगर आपके पास न्यू, अभी वो बात चल रही है ना कि न्यू है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, उनको कैसे लर्न करना है, राइट करना बेटर है, उसके लिए नोटबुक है, वो बात बता दी है। राइट करना क्यों होता है न्यू और डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स वर्ड के लिए, जब आप राइट करते हो तो ये आपका ब्रेन है, रेड कलर ही लेते हैं ये, ठीक है। जब आप राइट करते हो इसमें, अब आप ये आगे आपकी हो गई बुक, ठीक है, तो अब आप ये रहा, ये आपका हाथ हो गया, चलो यहाँ लिख रहे हो। जब आप यहाँ पर लिख रहे हो कोई, जैसे टी टेस्ट है, अनोवा है ना, तो ये हो गया जी, दो ग्रुप हैं, मीन है, आप खुद लिख रहे हो, तो वर्ड में इस पेज पर जो लिखा है, डायग्राम बनाया है, उसको प्रोड्यूस करने वाला ये सिंगल ब्रेन है, ये वाला सिंगल ब्रेन है। अगर ये सिंगल ब्रेन है तो वर्ड में सिर्फ एक यही ब्रेन होगा जो इस कंस्ट्रक्शन को सबसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा, रिकॉल पर, सिर्फ यही ब्रेन, दूसरा ब्रेन नहीं। दैट इज वाई अपनी हैंडराइटिंग, अपने बनाए हुए, सिर्फ हैंडराइटिंग की बात नहीं है, जो आपने कंस्ट्रक्ट किया था, आपने मान लीजिए डिफरेंस टी टेस्ट का, अनोवा का, अनकोवा का कुछ किया था, आपने खुद नोट्स बनाए थे, वो आपका माइंड ही सबसे अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड इजीली कर पाता है। आप एक सेकंड के लिए, दो सेकंड के लिए इसको देखते हो, चार सेकंड के लिए देखते हो, और दूसरे के बने हुए नोट्स और बुक को पढ़ रहे हो बार बार, तो वो आपकी ज्यादा माइंड मेंटल एनर्जी लेगा, ये बहुत कम लेगा। इसके पीछे साइकोलॉजिकल कॉज क्या है, शायद इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन आपके लिए जरूरी नहीं, आप नहीं समझते होगे। ये देखिए, ये है हमारी, लिखना क्यों है, लिखना क्यों है, ये देखिए, सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है। अब आप बेटर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर आप जो लर्न कर रहे हो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो। जब आप राइट करते हो तो यहाँ पर साइट काम कर रही है आपकी, और साथ में प्लस में ब्रेन भी काम कर रहा है, क्योंकि न्यू चीज कंस्ट्रक्ट की है, ठीक, दो बातें हैं, सिर्फ साइट नहीं है, तो ये जो है इजीली शॉर्ट टर्म में जाके, सेंसरी से सॉरी गई, सेंसरी से जाके शॉर्ट टर्म में जाके ये लॉन्ग टर्म में बड़ी जल्दी, ये कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है, तो बड़ी जल्दी लॉन्ग टर्म में चली गई है, वो चीज आपको देर तक याद करेगी रहेगी, सिर्फ एक दो बार रिहर्सल रिवाइज करनी पड़ेगी जो आप पेपर से पहले करोगे, ठीक। दूसरे शब्दों में ये मान लीजिए, ये आपका कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, तो जब आप कोई चीज कंस्ट्रक्ट राइट करते हो, लिखते हो, ठीक है, तो आपके वो सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, तो सब कॉन्शियस माइंड यहां क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, अनकॉन्शियस आपका वो फॉरगेटिंग है, ठीक। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड जो स्टोर हाउस है, उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप जल्दी, अभी इतने दिनों में अगर स्टोर करना चाहते हो, तो आप नुक्ता क्या है, आप उसको क्या कह रहा हूं, राइट कीजिए, लिखिए, और उनको सिर्फ लिखिए नहीं, उस उनमें एक वो कंसेप्ट मैपिंग, आगे चल के फिर डिटेल में बताता हूँ, कंसेप्ट मैपिंग जिसको ग्राफिक ऑर्गेनाइजर कहते हैं, वो यूज़ कीजिए। वो कैसे यूज़ करनी है आगे वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में फिर लंबा हो गया होगा। देखिए, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि कितने डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, मैंने कहा था मैक्सिमम एप्लीकेशन लेवल के बन सकते हैं, वैसे अपने पेपर सेटर ऐसे हमारे पास नहीं है कि एप्लीकेशन लेवल के ज्यादा क्वेश्चन बना सके, लेकिन एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन ही जो सॉल्व करेगा उसका ही सिलेक्शन नेचुरली होगा, वो डिफिकल्टी होगा, तो वो रिमेम्बरिंग रिकॉलिंग फैक्ट क्रैमिंग से नहीं होगा, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो कैसे होगा, अगर अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, किसकी, कंसेप्ट की, रूल्स की, जो पीछे बात करके आए हैं। दैट इज वाई अगर आपने जो कंसेप्ट लर्न कर किए हैं उनको अप्लाई करना है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है
इसको अप्लाई में आप ले जा सकते हो, ये याद रखना है। क्रैमिंग को, रिमेम्बरिंग को सीधा अप्लाई नहीं आप कर सकते, आपको इस स्टेप से गुजर के ही जाना होगा। सो अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना है, जब आप कंसेप्चुअल डिफरेंसेस करते हो, जब उसके उसको राइट करते हो डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को, और उसके एग्जाम्पल लिखते हो, उसके फीचर लिखते हो, तो उसको अप्लाई करना एग्जाम्पल के साथ आपके माइंड के लिए ईजी हो जाता है। दैट इज वाई ये ऐसे लर्न करना इतने दिनों में, शॉर्ट पीरियड में, ये ज़रूरी है। तो यहाँ तक काफ़ी है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।